वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। सो आज का ब्लॉग है मेरी भाभी यहाँ का, जो ब्लॉग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस तरीके से मुझे थोड़ी आपसे बात करनी थी, क्योंकि डायरेक्ट आपको फिर इसके जो है वीडियो का ही देखने को मिलेगा। तो सारे फंक्शन मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। रामायण का जैसे फर्स्ट डे था रामायण, वो क्लिप आपको देखती हूँ। सेकेंड डे जब गृह प्रवेश अंदर वो करती हैं, कलश वलश पूरा अच्छे से रख के, इसके बाद एक और होता है राम तिलक, या मुझे याद नहीं आ रहा क्या था वो, तो वो भी पूजा अटेंड करनी थी। शाम को थी पार्टी, बट उसी दिन सेम जगह एक और जगह पार्टी थी, जिसका ब्लॉग इसके बाद आप देखने को होप सो मिलेगा। सो इस वजह से जो हो पाया था ना, तो मैं वो राम जी का जो पता नहीं क्या था, मुझे नाम एक्चुअली माइंड से निकल चुका है, बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा कि राम जी का तिलक था कि राम जी का निमंत्रण, ऐसे करके कोई मतलब था। इस कलश जब वो गृह प्रवेश करती ना, उसके बाद वो राम जी की पूजा का टाइम था 5 से लेकर 7 बजे तक का, तो मैं वहां नहीं रुक सकती थी। और शाम की पार्टी में जो खाना पीना था ना, उसमें भी मैं आपको नहीं देखने को मिलूंगी। वो क्लिप भी आपको मेरे वीडियो में नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे कि अगले उसी सेम डे ही फंक्शन था। कहाँ था वो थोड़ा सस्पेंस है, वो आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा ना लगे कि हाँ जी रामायण में तो थी, गृह प्रवेश तक थी, बाकी आगे का क्या हुआ, क्यों नहीं दिखाया, तो मैं चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर नहीं थी। अदरवाइज आपको सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती, और बहुत ज़्यादा प्यारा घर उन्होंने बनवाया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सेलेक्टेड, मुझे मतलब पूरे घर, वैसे तो ऑल ओवर उनका घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जो अभी नया बना है सेकेंड फ्लोर। और घर में अगर सबसे प्यारा मुझे कुछ लगा तो पर्सनली मैं बताऊँ, उनका हॉल, फर्स्ट नंबर पे उनका किचन, सेकंड नंबर पे उनका हॉल जहाँ पर रामायण बैठी थी। वो दो चीज़ ना उस घर की पूरी जान है, समझ लो उस घर को एकदम हाईलाइट कर रहा है। सो आप कुछ चीज़ें हो सकता है समझ में आ गई होंगी कि आगे की मतलब पार्टी, आगे की पार्टी में चीज़ें इस वजह से मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ ना, तो मैंने कहा एक बार आपको बताना ज़रूरी है। सो बस ब्लॉग को इन्जॉय करिए, ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगाओ मेक श्योर नम्रता की दुनिया को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगती है मुझे पता है आप सभी को, क्योंकि लोग मिलते हैं तो बोलते हैं, तो मुझे तो पता है कि वीडियो मैं अच्छी बना रही हूँ, बट आप लोग प्यार नहीं दे रहे यार। लाइक, एक लाइक का मुझे इंतज़ार रहता है, एक लाइक एक मोटिवेशन होता है, और कमेंट्स आपका हमको ये देता है कि हाँ ठीक है कमेंट्स करें तो वीडियो और अच्छी बननी चाहिए। तो बस प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली ब्लॉग्स लेकर आऊँ आप लोग के साथ, नहीं डेली तो दूसरे दिन भी अगर आप चाहते हैं ब्लॉग लेकर आऊँ, तो प्लीज़ ब्लॉग को थोड़ा सा और अच्छा ले जाने की कोशिश करिए। लाइक कमेंट करके बताइए कैसे ब्लॉग्स आपको देखने हैं, सो उस हिसाब से मैं काम करूँगी। चलिए बातें बहुत ज़्यादा मैंने कर ली हैं, आप ब्लॉग को इन्जॉय करिए और बताइएगा ब्लॉग का कौन पार्ट आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, भाभी कैसे लगी, क्या है उनके लिए, मैंने क्या ही बोला है, आप आगे जाकर के देखो। और ये चीज कोई बनावटी नहीं, कुछ नहीं, दिल से जो मेरे फील आया वो मैंने बोला, और ये बात वीडियो में बोलने से पहले मैंने किसी और से भी ये चीज बोली। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो के लिए दिखावटी कर रही हूँ, दिखावा कुछ भी नहीं है। रिश्ते जो हैं वो मतलब मेरे लिए भाई रिश्ते बहुत बड़े हैं। जो लोग मुझसे गुस्सा भी हो जाते हैं ना, जो मेरे दिल के करीब अगर मुझसे गुस्सा, तो मुझे ऐसा लगता ना कि नहीं मैं उनसे बात कर लूँ, बुलकार लूँ, यार क्या है ज़िंदगी में इतना सब कुछ मैंने खोया है ना, तो मुझे लगता है ठीक है जब तक जिंदगी, यार एटीट्यूड दिखा के क्या फ़ायदा। तो अगर कोई मुझसे गुस्सा भी रहता तो मैं सोचती चलो ठीक है यार, अगर आपकी एक बात से, पहल से अगर आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं तो आप रिश्ते ठीक कर लो। हाँ, बट जो बहुत ज़्यादा गलत किया है जैसे मेरी मम्मी से रिलेटेड चीज़ें, तो फिर वो शायद भूलना मेरे लिए इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं। चलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, बात कर लेते हैं घर के मेन एंट्रेंस की। तो फ्रंट से कुछ घर इस तरीके से दिखता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। आप सभी बताना कि आपको कैसा लगा। है सेकेंड डे की, बट फर्स्ट डे जैसे कि मैं ओवर से गई थी ना, तो रास्ते में कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं ले पाई थी, तो यहाँ पर मैंने केला फिर नेक्स्ट डे जाके चढ़ाया था। क्योंकि ऐसा होता ना कि पूजा में आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी के भी घर जाओ आप, और तो बस इस वजह से मैंने यहाँ पर मतलब भोग चढ़ाया था। और गिफ्ट जो मैंने उनको थोड़ा सा होम टूर देने लगे हाँ, क्योंकि इसके बाद तो मौका मिलेगा नहीं। तो ये है भाभी का सेकंड फ्लोर, जिसका मैं किचन दिखाती हूँ। कर लेते हैं किचन, रूम, हॉल, इंटीरियर। किचन कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए, बहुत प्यारा हो सकता है वीडियो में इतना अच्छा ना लग रहा हो। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, भाभी कमेंट में आप बताइएगा इस पत्थर को क्या बोलते हैं। और इसी से सटा हुआ रूम है, हॉल आपने देख लिया, हॉल के जस्ट सामने ये रूम है। रूम पूरा नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर लोग लेटे हुए थे इस वजह से, और इसके जस्ट सामने हॉल है जहाँ पर रामायण चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। पहले मेरी टीम मौजूद है, हाँ बहुत बढ़िया है भाई।
थर्ड फ्लोर में आप देख लीजिए इतना है यार, चप्पल नहीं पहने याद ही नहीं था। हेलो मधु, थर्ड फ्लोर का ये रूम है सबसे ऊपर वाला। हाय प्रसाद, ऊपर वाला किचन है जो कि अभी रेनोवेशन चल ही रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं अंदर जाते हैं, बाहर से वापस जैसे चल भी रहा फंक्शन। और दूसरी चीज ना, सारा आदमी ऊपर स्टोर करता है तो वही चीज यहाँ पे भी हो गई है। यहाँ पे मधु तैयारी में लगे हुए हैं, ये इधर वॉशरूम है, बाकी ऊपर का छत है। अच्छा यहाँ पे टेंट डलेगी ना, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनने को मिलेगी, पिछले ब्लॉग में पंडित जी की आवाज़ थी, इस ब्लॉग में मेरी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो यहाँ पर गृह प्रवेश स्टार्ट हो चुका था भाभी का, सबसे मतलब जो फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है वो बना हुआ था, सेकंड फ्लोर का भाभी ने पूजा करवाया था, बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो पंडित जी के रिचुअल्स होते हैं, जो हम लोग के रिचुअल्स होते हैं वो पंडित जी करवाते हैं। तो गृह प्रवेश जो रीति रिवाज होते हैं उनसे पहले तो वही सारे यहाँ पर चल रहे थे, बाकी फिर ये द्वार पर स्वास्थ्य वगैरह बना के इन्होंने भाभी ने इस तरीके से किया था अंदर गृह प्रवेश। और ये पूरा घर फिर एक बार आप देख लीजिए, हल्की सी झलक घर की। सो घर कैसा लगा, होप करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। और बहुत सोच समझ के जब इंसान घर बनाता तो चीज़ें बहुत मेहनत से करता है। और यहाँ पे नारियल फोड़ के गृह प्रवेश अंदर हो चुका है दोनों लोगों का, और इसके बाद सबका फिर मतलब वो होता है ना मान सम्मान, जैसे कि नंद नंदोई और जो हम इनके जो मान्य होंगे उनका होता है मान सम्मान, तो वही बस एक मान सम्मान हो रहा है। बाकी मैं क्या बोलूं, घर बहुत प्यारा है एक शब्दों में ही मैं बता सकती हूं। और भाभी भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जितनी वो खूबसूरत हैं नेचर उतना ही उनका मतलब ईश्वर ने उनको बहुत फुर्सत से बनाया, मैं बस एक चीज़ यही बोलूंगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इनकी सिस्टर्स हैं दोनों और ये इनकी बहनोई हैं। मधु के हस्बैंड नहीं थे क्योंकि वो जॉब पर थे आई थिंक। यहाँ पर वही मान सम्मान मुझे मिला जो इन्होंने अपनी खुद की बहनों को दिया था, जो चीज़ जैसे सेम उनके साथ की थी वही सारी चीज़ें मेरे साथ भी की थी। तो ये सारी चीज़ें देख के यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब अपने मतलब अपनों में अगर कोई भेदभाव ना हो, जैसे बहुत लोग का पिछली वीडियो में था कि मतलब आपके किस रिश्ते से मामा लगते हैं, तो ये मेरी चाची है ना, चाची के भाई, बहुत लंबा रिश्ता है, किसी ने डिटेल में बताऊंगी। तो बस प्यार जहां होता है वहां रिश्ते की नाप तौल नहीं होती कि हम किस जगह से बिलोंग करते, कि मेरे सगे मामा हैं कि सगे मामा के बहू बेटे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सगों से ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्यार और मान सम्मान मिलता है, मुझे बताने की या बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख सकते हैं। इनकी ऑलरेडी 3 बहनें हैं जिनका मान सम्मान करने के लिए खुद हैं, बट इन्होंने मेरा भी उतना ही किया। तो यहाँ पे हमारी प्यारी भाभी जो कि साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही हैं, और ये लाइन मैंने किसी और से भी बोली, और रियली बता रही हूँ मैं, मतलब जितनी देर पूजा कर रही थी मैं इनका सिर्फ मुँह ही देख रही थी कि रियली में इतनी ये खूबसूरत लगती हैं मुझे, और जितनी ये सुंदर हैं उतना ही इनके फेस पर अलग सा एक तेज रहता है हमेशा। मैंने ये कई बार नोटिस किया है लेकिन बोल मैं आज पाई हूँ, कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं बोलूँ किसी को बुरा लग जाए, बट इस बार मेरे दिल में था तो मैंने कहा नहीं मैं अपने आप को रोकूंगी नहीं, मैं बोलूँगी ज़रूर ये चीज़ भाभी के लिए। तो ये बस गृह प्रवेश रंग में ऐसे पैर वो लगा कि जैसे एक दुल्हन एक शादी के टाइम नई दुल्हन करती, सेम वही प्रोसेस था। तो बस भाभी मेरी कैसी लगी, कैसा लगा उनका सब कुछ ज़रूर बताइएगा। और रियली यार ये मुझे बहुत सुंदर लगती हैं, बट मैं बार बार वो चीज़ नहीं बोलना चाहती क्योंकि बस नहीं बोलना चाहती। तो बस इसके बाद ये सेकेंड फ्लोर के ऊपर किचन में होगा पूजा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि बहुत उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि पूरा नहीं कवर हो पाया। इसके बाद भी दो फंक्शन थे, एक तो राम जी का, दूसरा खाना पीना का, तो उस टाइम पे मैं नहीं थी। तो ये इन्होंने यहाँ पे अपने नए किचन में पूजा करी गैस की, जैसे कि नए गैस की पूजा होती, तो सब पूजा पाठ रिचुअल सारे हो चुके हैं। और बस छोटी सी शेयरिंग आप सभी के साथ करी है, बाकी बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं खुद ही नहीं थी। तो बस जितना मेरे से हो पाया ना उतना मैंने किया है। होप करती हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और आप लोग कमेंट करने में इतनी कंजूसी मत करिए, जितना मैं ब्लॉग बनाने में कंजूसी नहीं करती उससे ज़्यादा आप लोग के कमेंट करने में और लाइक करने में कंजूसी होती यार, मेरी मेहनत को समझो। मेरी फैमिली जस्ट घर आ गए हैं और अपनी गाड़ी से गए थे, देखो कितना रेड रेड हो गया पूरा मत्थे पे हेलमेट की वजह से। सो अभी जस्ट मैं आई हूँ, अब सोचू ना थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ, फिर दिखाऊंगी भाभी ने मुझे कौन सा गिफ्ट दिया है, क्या दिया है, मैं मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, मेरे बिना मन के दे दिया है, ऐसा क्या है कुछ, तो वो सारी चीज़ें आगे आपको बताते। पहले मैं पी लेती हूँ ग्लास ठंडा ठंडा पानी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, धूप इतनी तेज है कि हालत बिल्कुल खस्ता हो रखी लोगों की। सब मिलते हैं कुछ देर बाद, मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ मिली है, ठीक है, और जो मिली है वो आपको दिखाती हूँ।
सो मुझे इस डिब्बे में मिले साड़ी, साड़ी कौन सी, चलो दिखाते हैं आपको ओपन करके आप सभी को। और उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई जब मुझे भाभी दे रही थी ना, कभी कभी हो जाता कि माइंड से आपको निकल जाता बातचीत करने में, सो वही मेरे साथ हुआ, मुझे याद नहीं था जब भाभी मुझे गिफ्ट दे रही थी तब मैं उस टाइम आप लोग के साथ शेयर करूँ, बट भाभी भी मेरा ब्लॉग देखती हैं। सो ये रही बहुत प्यारी सी साड़ी जो कि मुझे दिल से और हद से ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट कलर है। सो आपको निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी, बहुत ज़्यादा, ये देखिए ऑल ओवर पूरी ऐसी है, इसका ब्लाउज कैसा है ये मुझे नहीं पता। सो बस सो आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ज्यादा पर्सनली प्यारी लगी है। मैंने साड़ी देख ली कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा, मतलब लहरिया है तो दूसरा ग्रीन कलर, तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। एंड यस देखिए साड़ी कपड़ा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती किसी के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा है ना कि आपको प्यार और मान सम्मान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि मुझे इनके घर से बहुत मिलता है। मतलब मेरी मामी की चार लड़कियां हैं, तीन लड़कियां हैं और एक वो मुझे भी इंक्लूड करती, तो चार लोग वो मानती कि रेनू मतलब मुझे भी लेके मेरी चार लड़कियां हैं, तो कहीं भी कुछ भी होता वो मुझे आगे हर चीज़, उतना ही ज़्यादा प्यार मुझे भाई मतलब संदीप और उनकी वाइफ गीतिका भी देती हैं, बहुत प्यार मान सम्मान। एक साड़ी नहीं ये उनका मान सम्मान है, जो कि मुझे मतलब ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी हर एक कमी को फिलफुल कर देता है। ये नहीं होता कि अपने और गैरों में मतलब वो चीज़ है, लाइट यहाँ पे चली गई तो ये ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। सो थैंक यू भाभी, ब्लॉग देखती हैं वो भी, और बस छोटा सा ब्लॉग था मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, होप करती हूँ ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मैं सोच रही हूँ ना इसी के साथ ही ब्लॉग का एंड भी कर दूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मतलब दो दिन से ब्लॉग चल रहा है। अब इस ब्लॉग को एंड करने के बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, और नेक्स्ट ब्लॉग क्या है वो भी मुझे पार्टी में जाना, तो अभी बज रहा है 4, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे 6 बजे से तैयार होना स्टार्ट करूँगी। किस चीज़ की पार्टी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। सो ब्लॉग में बने रही है, एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो बस मिलते हैं चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।